निकल जाओगी पुलिस में, ऐसे को फॉर्म तो लंबाई तो बहुत कम है बेटा। हाँ कम है मगर देख लेंगे, हो जाएगा। आपने कितने दिन तैयारी की? मैं एक साल से कर रही हूँ। एक साल से तैयारी करी, आपको मालूम था कि यूपी पुलिस की भर्ती निकलने वाली है? बेस्ट, मस्त, जबरदस्त। पेपर अच्छा आया था? बहुत अच्छा आया था, इजी था, बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी था। बहुत आँप रहे हैं आप, क्या दिक्कत? हाँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। मेरा भाई उधर खड़ा है, उसको जाके मैं बधाई दूंगा। हिंदी भी तो सही थी, जीके भी सब कुछ सही था, सब बिल्कुल सही था, सबका हो जाएगा। हाँ जो किया अच्छा से हो जाए। करंट अफेयर से बहुत कम आए थे क्वेश्चन। ये भीड़ दिखा दीजिए, यहाँ लोगों की भीड़ दिखाइए, इतना हुजूम जो है यहाँ परीक्षा सेंटर के बाहर लोग लगे हुए हैं, अपने बच्चों को का इंतजार कर रहे हैं, अपने भाइयों का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा का नज़ारा आज हम आपको उत्तर प्रदेश के बलिया से दिखाएंगे दोस्तों। बलिया से ये अनोखा नज़ारा दिखाएंगे। अनोखा इस मामले में भी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा में पहली बार एक रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, और रिकॉर्ड ये टूटने जा रहा है कि 60,000 से कुछ अधिक पदों पर यहाँ पर विज्ञापन निकाला गया है, और 48 लाख से ऊपर अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा देंगे। प्रतिदिन 2 दिन परीक्षा होनी है, और प्रतिदिन लगभग 12 लाख परीक्षार्थी 2 अलग अलग पालियों में परीक्षा देंगे। यहाँ थोड़ा माहौल दिखा दीजिए, यहाँ दिखाइए, यहाँ पर जो है इतनी भीड़ जो है ये अपने अपने घर के लोगों को लाने के लिए यहाँ पब्लिक इकट्ठी हुई है, और सभी लोगों में ये रोमांच है, सबके अंदर ये जानकारी लेने की इच्छा है कि हमारे बच्चे का पेपर कैसा हुआ, हमारे भाई का पेपर कैसा हुआ। वो पुलिस भर्ती कैसा पेपर है बेटा आपका? अच्छा रहा सर। तो आपने कितने दिन तैयारी की? मैं एक साल से कर रही हूँ। एक साल से तैयारी करी, आपको मालूम था कि यूपी पुलिस की भर्ती निकलने वाली है? सर तो ये यूपी पुलिस की भर्ती के लिए एक साल से आपने जो तैयारी की, इसमें कोचिंग वगैरह की मदद ली क्या आपने? यस सर, कोचिंग की मदद बलिया से। कहाँ से आई बेटा? बलिया। बलिया से आए हैं, गाजीपुर से आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो कैसी रही भैया परीक्षा? बेस्ट, मस्त, जबरदस्त। पेपर अच्छा आया था? बहुत अच्छा आया था, इजी था, बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी था। और क्या लग रहा है आपको, हो जाएगा? खुदा ने चाहा तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई बहुत आँप रहे हैं आप, क्या दिक्कत? हाँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। मेरा भाई उधर खड़ा है, उसको जाके मैं बधाई दूंगा। बहुत ज़्यादा अच्छा किया, पेपर बहुत अच्छा गया जी सर। 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, और थोड़ा सा मौका मिला हम लोगों को। 45 दिन का समय, उतना में जितना हम लोग तैयारी किए उस हिसाब से बहुत बेस्ट पेपर गया है सर। और सरकार से मैं चाहूँगा कि अगर ये मेरी वीडियो उनके पास पहुँचे तो हर 2 साल या 3 साल पर वैकेंसी निकाले, क्योंकि बहुत सारे युवा जो है आँखों में सपने लिए हैं, अगर उनकी सपने पूरे नहीं होते, उनके ऊपर परिवार का दायित्व है। तो सर बेस्ट पेपर गया है, पेपर मॉडरेट था, बहुत हार्ड नहीं था, बढ़िया है, जो जिसने पढ़ा होगा वो क्वालिफाई कर पाएगा। बिटिया और जा रही है, इनसे पूछते हैं, बेटा कैसा रहा पेपर आपका? सही था सर। निकल जाओगी पुलिस में? ऐसे को फॉर्म तो लंबाई तो बहुत कम है बेटा। हाँ कम है मगर देख लेंगे, हो जाएगा। चलो ठीक है। कैसा पेपर हुआ भैया? ठीक हुआ है। कैसा पेपर आया था? आया ठीक सर, नॉर्मल था। नॉर्मल पेपर था। क्या लग रहा है, हो जाएंगे? हो जाएंगे। कितने साल से इंतजार कर रहे थे? अभी 2 साल से हम। 2 साल से इंतजार कर रहे थे। बेटा कैसी रही परीक्षा आप लोगों की? अच्छी थी। अंदर कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ बता सकते हैं क्या? एक दो क्वेश्चन बता सकते हैं? जो भी आपको समझ आया, जैसे कि वो क्या कहते हैं। अच्छा टफ क्या था ये? टफ थोड़ा मैथ्स था, थोड़ा मैथ्स थोड़ा टफ था। कौन कौन सब्जेक्ट आए थे? मैथ्स था, रीजनिंग था, हिंदी और जीके जीएस। तो आपको क्या लग रहा है कि किस लेवल का ये होना चाहिए था, और किस लेवल का आया था? अच्छा था, मतलब लेवल अच्छा था। क्या एजुकेशन है बेटा? अभी तो 12th है मेरा। और कैसी रही परीक्षा आप लोगों की? पेपर कैसा रहा? ठीक हुआ। ठीक हुआ तो क्या क्या लग रहा है कि बहुत टफ आया था या इजी आया था? हाँ उतना टफ नहीं था, नॉर्मल था। अच्छा नॉर्मल पेपर आया था, हो जाएगा आपका। देखिए अब चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके। ठीक गया है। आज कैसा आया था पेपर, टफ आया था? नहीं इजी आया था। इजी आया था। कौन सा सबसे इजी आया था, कौन सा पोर्शन? हिंदी। हिंदी और मैथ वगैरह का? मैथ भारी था। और रीजनिंग? रीजनिंग थोड़ा भारी था। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? 1 साल। कहाँ से आए बाबू? बलिया से। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा रहा। पेपर इजी आया था? हाँ पेपर। आपको क्या लग रहा है इस बार बहुत सारे बच्चे भर्ती हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, पेपर बहुत इजी आ रहा है। पेपर बहुत इजी आ रहा है। हाँ जैसा चाहिए वैसा मनपसंद पेपर? हाँ बिल्कुल। मतलब खुश हैं आप इस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कई सालों के बाद ये भर्ती निकली है, क्या कहेंगे? ये अब सरकार की है कि अब क्यों इतना सा लेट भर्ती दे रहा है सरकार, इसके जिम्मा। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार समय समय पर अपना वैकेंसी निकालती रहे ताकि बच्चे अपना होते रहे, उम्र भी ज़्यादा हो जा रहा है, बच्चों को नहीं हो पा रहा है, इसलिए सरकार चाहे
मतलब समय समय पर भर्ती निकालती रहे। किसी भी चीज़ का इंतजार बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये बच्चे बहुत दिनों से इंतजार में थे और कहीं ना कहीं बहुत बेचैनी थी इनके अंदर, और ये चाह रहे थे कि कोई भी भर्ती निकले, हम उसका फॉर्म भरें और उसमें क्वालिफाइड हो जाएं और किसी भी तरीके से इस परीक्षा को क्रॉस कर लें। पेपर बहुत सही था। तो कौन सा मतलब कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगा पेपर? हिंदी भी तो सही थी, जीके भी सब कुछ सही था, सब बिल्कुल सही था, सबका हो जाएगा। हाँ जो किया अच्छा से हो जाए। करंट अफेयर से बहुत कम आए थे क्वेश्चन। अच्छा, करंट अफेयर से नहीं था? नहीं, सब में बहुत नॉर्मल था, बहुत मीडियम। कहाँ से आए? यही इंदासो गाँव पड़ता है। अच्छा। देखिए दोस्तों, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ लोकल के बच्चों का लोकल में ही पेपर है, इसलिए बहुत आसान हो गया है। और ये भीड़ दिखा दीजिए, यहाँ लोगों की भीड़ दिखाइए, इतना हुजूम जो है यहाँ परीक्षा सेंटर के बाहर लोग लगे हुए हैं, अपने बच्चों को का इंतजार कर रहे हैं, अपने भाइयों का इंतजार कर रहे हैं, और इसीलिए थोड़ी सी रोड पर अव्यवस्था हो गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और कहीं ना कहीं किसी भी परीक्षा में पूरे परीक्षा में किसी तरीके की बात। ये कुछ गार्जियन यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। भैया कहाँ से आए? बलिया से आए हैं। तो बलिया से आए सर, किस लिए आए हैं? ये अपनी बच्ची का परीक्षा देने लगे हैं। अच्छा, बच्ची को पुलिस में भेजने की क्या शिक्षा होगी? हम चाह रहे हैं कि पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करें। तो ये इतनी बड़ी परीक्षा है, ये लगभग 48 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, क्या आशा है आपको बच्ची का? उम्मीद है कि हो जाएगा बच्ची का। उम्मीद है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। आप कहाँ से? बलिया से। तो बलिया से किसके लिए आए हैं? बच्चे के लिए। अच्छा, अब आपने बच्चे के लिए? भाई के लिए। अच्छा, भाई के लिए आए। क्या लग रहा है कि परीक्षा में हो जाएगा ये? अब देखिए, पेपर बच्चे आएगा वही ना बताएगा।